ओम शांति। आज की शिक्षा प्रद कहानी का शीर्षक है सत्य को कभी न छोड़े। हम सब सुकरात के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। एक बार की बात है, सुकरात जेल में थे, उन्हें दूसरे दिन मृत्यु दंड देने वाले थे, उन्हें जहर देने वाले थे। उनके एक दिन पहले उनके जो मुख्य स्नेही प्रिय शिष्य थे क्रेटो, वो जेल में आए और उन्होंने सुकरात को कहा कि मैंने आपको जेल से भागने का रास्ता बना दिया है, मैं आपको लेने आया हूं। तो सुकरात ने उनको मना कर दिया। सुकरात ने कहा, देखो मैंने तुम सभी को सत्य का निर्भयता का पाठ पढ़ाया और तुम ही मुझे असत्य और भय का पाठ पढ़ा रहे हो। तो क्रेटो ने कहा कि अभी हम तर्क करें वो समय नहीं हमारे पास, हम आपके प्राणों की रक्षा करने आए। तो सुकरात ने कहा कि मुझे तो सत्य प्राणों से भी प्यारा है, ये तुमको मालूम है, फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। क्रेटो ने कहा कि देखो हमने बड़ी मेहनत के साथ रास्ता बनाया है, आपको जो मृत्यु दंड देने वाले हैं वो भी तो असत्य है, उसका भी तो कोई कारण नहीं है। तो सुकरात ने कहा कि मृत्यु दंड देने वाले असत्य मार्ग पर चल रहे, इसीलिए मैं भी सत्य के मार्ग को छोड़ दूं? कभी नहीं, भगवान भले मुझे माफ करेगा परंतु देश का इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। क्रेटो ने बहुत समझाया परंतु सुकरात ने नहीं माना, कहा कि सत्य कभी मरता नहीं, वो हमेशा जीवित रहता है, तुम पागल हो क्रेटो, तुम मर जाओगे, मैं नहीं मरूंगा। और सचमुच क्रेटो मर गया, उसको कोई नहीं जानता, परंतु सुकरात को आज भी सब याद करते हैं। जीवन के अंदर जो सत्य का आचरण करते हैं, भले वो संसार में न रहे पर इतिहास के अंदर मनुष्यों के दिलों में वो जीवित ही रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य की जय होती है, प्रभु को भी सत्य प्रिय है, गॉड इज ट्रुथ। इसलिए हमेशा सत्य का मार्ग अपनाए, सत्य मार्ग पर चलने वाले केवल प्रभु को प्रिय भी नहीं परंतु याद रखें अति प्रिय होते हैं। ओम शांति।